जब हम लोग उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बारे में बात कर रहे थे, तो उस समय आप में से किसी ने कहा कि हमें मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के बारे में बात करनी चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि डिंपल यादव भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और वैसे आपको बताऊं कि ऐसे राज्य से आती हैं डिंपल यादव जो राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सीटें 80 हैं उस राज्य में, विधानसभा सीटें 403 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप लोग स्क्रीन पर सामने देख भी रहे होंगे डिंपल यादव को। और वैसे देखिए, जब भी टाइम मिलता है तो जो भी चर्चा में हमारे देश में राजनेता हो या अन्य व्यक्ति हो उनके बारे में बात करते रहते हैं। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा हम अपने देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, या किसी और कारण से कोई व्यक्ति चर्चा में रहा है तो उन पर विस्तार से बात करते रहे हैं। और इसके लिए बायोग्राफी नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी लोगों की आपको बायोग्राफी कवर मिल जाएगी, वीडियो क्लास मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डिंपल यादव के बारे में। आप देखिए, ये हैं डिंपल यादव। और एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी राजधानी लखनऊ है, आप सभी जानते हैं। अगर हम लोग डिंपल यादव के जन्म की बात करें तो 15 जनवरी 1978 को इनका जन्म होता है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। आप सभी जानते होंगे कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। अगर हम लोग डिंपल यादव की जाति की बात करें तो ये क्षत्रिय है यानी कि ठाकुर जाति की है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा डिंपल यादव और अखिलेश यादव की लव मैरिज है यानी कि प्रेम कथा है। ठीक है, और अगर हम लोग डिंपल यादव के पिता की बात करें तो आरसी सिंह रावत इनके पिता का नाम, जो भारतीय सेना में पूर्व कर्नल रह चुके हैं। डिंपल यादव की माता की बात करें तो चंपा रावत इनकी माता का नाम। और पति की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव इनके पति हैं। और आप लोग स्क्रीन पर फोटो भी देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनके ससुर की बात करें तो मुलायम सिंह यादव, और आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। एक तरह से आप देखिए, डिंपल यादव और अखिलेश यादव के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं अदिति और टीना, और एक बेटा है अर्जुन। और इनकी भी पिक्चर आप लोग देख लीजिए, 2 बेटियां हैं इनकी और एक क्या है बेटा है इनका। ठीक है, अगर हम लोग डिंपल यादव की शिक्षा की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीकॉम किया हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पढ़ी लिखी राजनेता है। इनके पसंदीदा राजनेता की बात करें तो राम मनोहर लोहिया इनके पसंदीदा राजनेता है। और आप सभी लोग सुनते भी रहते होंगे कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़ी हुई है। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राजनेता हैं, चुनाव लड़ती हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं। इनकी राजनीतिक पार्टी की बात आती है तो समाजवादी पार्टी इनकी राजनीतिक पार्टी है। अगर हम लोग इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो इन्होंने पहला चुनाव 2009 में लोकसभा का लड़ा हुआ था, कहाँ से, फिरोजाबाद से। और इनके खिलाफ राज बब्बर ने चुनाव लड़ा था और इसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो पहली बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं लेकिन ये चुनाव हार जाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर आईडी में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव करने जाते होंगे। और अगर आप लोगों को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो 25 साल आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे 2012 में डिंपल ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की और वो पहली बार लोकसभा सदस्य के लिए चुनी जाती है। और ये 2012 वही साल था जब आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला हुआ था। तो आपने देखा है कि उस समय अखिलेश यादव लोकसभा सदस्य थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए लोकसभा सदस्य उन्हें इस्तीफा दिया था और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और आपने देखा होगा कि उसी सीट पर, कन्नौज की सीट पर, डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की हुई थी।
फिर आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि 2012 से लेकर 2017 तक डिंपल के पति अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उस समय डिंपल यादव राजनीति में काफी सक्रिय भी रहे। और 2014 में आप सभी को मालूम होगा कि मोदी लहर चल रही थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे और बीजेपी को काफी अच्छा बहुमत मिला था। तो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए आपके, इसमें कन्नौज से डिंपल यादव अपनी सीट निकाल ली जाती है, दूसरी बार वो लोकसभा सदस्य बनती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे और इस बार आपने देखा है कि पिछली बार की तुलना में कई गुना तेज मोदी रफ्तार चल रही थी, मोदी की हवा चल रही थी। और इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े धुरंधर लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। और 2019 में लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव कन्नौज से हार जाती हैं, उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने चुनाव हराया था, तो इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अभी तक की डिंपल यादव की कहानी यही है, उनका राजनीतिक सफर यहीं तक है। अब आगे क्या होता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप लोग न्यूज़पेपरों से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आप लोगों को देश दुनिया के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में मालूम चलता रहता है। तो जो भी आगे होगा वो आपके सामने रहेगा, अभी तक की कहानी इनकी यही है। चलिए, किसी और राजनेता के बारे में बात करनी हो तो बताइए, उस बारे में हम लोग विस्तार से बात करते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग एंजॉय करिएगा, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे।